हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवान बसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द एस्ट्रोलॉजी। सो गाइस, कल है मंडे और दिस मंथ का लास्ट एक्सपायरी हमें देखने को मिल रही है, मंथली एक्सपायरी जो थर्सडे को होगी। अब इस फ्राइडे ना, उसके बाद हम लोगों ने बहुत ड्रास्टिक चेंज देखे हैं। हमने देखा था कि US मार्केट बहुत तेजी से फॉल कर रहा था, बट उसके बाद एक रिकवरी आ गई थी। क्या पता है वो रिकवरी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, क्या और ज्यादा फॉल S&P या डाउ जोन्स के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। हम लोगों ने देखा था कि हमारा XJS निफ्टी भी बहुत ज्यादा नीचे चला गया था। क्या करना है मार्केट में, हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी 34,000 क्रॉस कर चुकी है, निफ्टी 16,200 क्रॉस कर चुकी है। अब ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहां पर वो जाके अटक सकता है, या यहां से और नीचे जा सकती है मार्केट, या यहां से एक अप मूव हम लोग देख सकते हैं। FII का डाटा क्या कर रहा है, सारी बातें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। उसे स्टार्ट करने से पहले गाइस, टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको फ्राइडे को बताया था कि शॉर्ट पोजीशंस कोई भी कैरी ऑन करके मत चलना, बिकॉज ऑफ द डाटा जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दे दिया था कि मार्केट यहाँ से सारे लेवल्स को कंप्लीट करेगी। और निफ्टी ने भी अपने टारगेट्स अचीव करे थे, बैंक निफ्टी ने भी करे थे, और हमने आप पर वहाँ पर एक वॉइस नोट भी आपको दिया था, अगर वो टारगेट्स अचीव होते और सस्टेन करते हैं वो लेवल, तो डेफिनेटली मार्केट मंडे को एक नई रैली दे सकती है। सो एक बार स्टडी करते हैं US के मार्केट को, सारी मार्केट्स को, एंड आफ्टर दैट निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओपन इंटरेस्ट का डाटा प्लस स्टॉक्स एनालिसिस। चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप। तो जैसा कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अभी मैंने US 30 डाउ जोन्स ओपन करा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्लियरली चेक कर सकते हैं बहुत अच्छी फॉल हमें देखने को मिली, और लास्ट फ्राइडे को भी बहुत ज़्यादा बड़ी फॉल आई थी, बट एक रिकवरी हमें देखने को मिल गई थी। सेम गोज विद US 100। अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो मार्केट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वीक है US मार्केट के अकॉर्डिंग टू आर इंडियन मार्केट। सो फ्रॉम माई साइड मुझे लगता है कि हमारी मार्केट अभी स्टेबल है और इस पे शॉर्ट पोजीशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डाटा अगर हम लोग स्टडी करें तो हमारा डाटा अभी तक का स्ट्रॉन्ग डाटा लग रहा है। सो लेट मी शो यू, चलिए स्टडी करते हैं एक बार निफ्टी के एनालिसिस को। सो निफ्टी एनालिसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टू वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है, कैंडलस्टिक पैटर्न, आई थिंक वो भी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, बट अगर आप यहाँ चेक करोगे एक क्लियर डबल बॉटम है, एंड ये जो आप बियरिश कैंडल देख रहे हो एग्जैक्टली इस बियरिश कैंडल को उसने इनगल्फ करा, नॉट अ प्रॉपर इनगल्फ, तो हम इस पर्टिकुलर कैंडल से एक स्ट्रक्चर को कुछ कहते हैं। सो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसे डाल दूंगा, आप जाके उसे स्टडी कर सकते हैं। एंड बहुत अच्छी मोमेंटम से जो इसका ओपनिंग प्राइस था एग्जैक्टली उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दिया, विच इज अ गुड साइन। लेट्स मूव टू अ अर्ली टाइम फ्रेम, और अर्ली टाइम फ्रेम अगर आप चेक करोगे तो बहुत अच्छा फॉल देता था, एंड आफ्टर दैट उस फॉल के अंदर वॉट वी सीन इज अ रेंज बाउंड मार्केट, एंड आफ्टर दैट दोबारा एक फॉल आती थी। तो यही सेम स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी भी फोकस कर रहे हैं, आप देखेंगे एक अच्छी फॉल आई है, एंड उस अच्छी फॉल के बाद एक रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है। सो हो सकता है डेफिनेटली यहाँ से भी हम लोग एक फॉल एक्सपेक्ट कर ले विकांत से, बट अभी अगर हम लोग डाटा स्टडी करें तो ये डाटा हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लाइन थी 16,200 की, यहाँ पर जितने भी कॉल राइटर्स थे वो सब अनवाइंड करना स्टार्ट कर गए, तो पुट राइटर्स ने अपनी हेवी पोजीशंस बनाई थी जो कि मंथ एंड के एक्सपायरी के लिए था। सो आई पर्सनली थिंक अगर कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं और पुट राइटर्स बहुत तेजी से एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आसपास हमें कहीं सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि टारगेट क्या है, कहाँ पर सबसे बड़ा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। सो लेट मी शो, आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लेवल है 16,370 टू 16,420। ये लेवल आप याद रखिएगा, ये रेंज याद रखिएगा, कल सुबह मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भी ये बता दूंगा। 16,370 से लेके 16,420 तक मार्केट एक ऐसे फेज में होगी जहां पर वो एक बड़ा फॉल भी ले सकती है, या अगर उसके ऊपर वो सस्टेन कर लेती है डेली कैंडल के साथ और अगला दिन भी अगर वो सस्टेन कर लेती है उसके ऊपर, तो डेफिनेटली मार्केट वहां से टर्न अराउंड भी कर सकती है। सो यही दो लेवल है जिस रेंज के अंदर हम लोगों को मेक इन ब्रेक और लेवल्स मिल सकते हैं। सो यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं, जो करंट प्राइस है दैट इज 16,260 to 70 रुपीज के आसपास, डेफिनेटली यहाँ से 100 रुपये तक की रैली तो निफ्टी बहुत ईजिली दे सकता है 16,370 to 16,420 के लेवल्स तक का, एंड उसके बाद हम लोगों को अपनी पोजिशंस को एग्जिट कर लेना है, बिकॉज वहाँ पर ऑल नए कॉल राइटर्स एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैवी कॉल राइटर्स की पोजिशन ऐड हो सकती है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर हम लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, कोई भी कैरी ऑन पोजीशन लेकर नहीं चलेंगे, बिकॉज आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर ऊपर बना था एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर भी बन जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर अगर ये फॉल आती है और हम कैरी फॉरवर्ड पे अगर एक लॉन्ग पोजीशन लेकर जाते हैं तो हमारे लिए नुकसान है। तो लेट्स सी क्या होता है मंडे की मार्केट पे, बट द डाटा इज लुकिंग स्ट्रांग। एक बार स्टडी कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का डाटा। सो ओपन इंटरेस्ट के डाटा पे 15,800 से 16,200 तक सारे के सारे कॉल राइटर्स अनवाइंड कर चुके हैं, सब निकल चुके हैं।
16,000 से लेके 16,200 तक हेवी पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन बना रखी है, मतलब 16,000 से 16,200 पे एक बहुत बड़ा बेस बना हुआ है। अगर एक बड़े गैप डाउन के साथ वो ब्रेक नहीं होता तब तक हमारी मार्केट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड ले सकती है। इसके अलावा 16,300 है जो कि एक माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पर कॉल राइटर्स एक्टिव है, तो ये डेफिनेटली कल मॉर्निंग में ही ब्रेक हो जाएगा। बट याद रखिएगा हमें सिनेरियो की भी बात करनी है, कल अगर गैप डाउन आता है, गैप अप आता है, साइडवेज आता है तो कैसा रिएक्ट करना है, तो एक बार उसको स्टडी कर लेते हैं। लेट्स ओपन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है 16,212 का। लेट्स सी कि अगर ये 50 पॉइंट्स का निफ्टी फॉल करता है, अब हम देखते हैं कि चलो डाउ जोन्स के चक्कर में या यूएस मार्केट के चक्कर पे हम लोग देखते हैं कि ये गैप डाउन के ऊपर खुलता है, तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। गैप डाउन में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना होगा, ठीक है। शॉर्ट की पोजीशन हमें बिल्कुल भी नहीं बनानी है कल की मार्केट पे, जब तक हमें कोई एक ऐसा चेंज ना देखे जहां पर कॉल राइटर्स बहुत पोजीशंस बनाने हैं और पुट राइटर्स बहुत तेजी से निकल रहे हैं, ठीक है। सो अगर गैप डाउन आएगा वी वेट फॉर अ वेरी गुड सपोर्ट। अगर बाय चांस गैप डाउन आता है और इस लेवल पे सपोर्ट लेता है 16,070 पे, तो हम लोग एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। अगर नहीं लेता गैप डाउन और इसी लेवल पे ओपन होता है, सो डेफिनेटली हम तब भी बाय कर सकते हैं। रिमेंबर दैट बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी होने वाली है कल की मार्केट पे, और मेरे को लगता है कि कल एक बड़ी मोमेंटम दे सकता है। कल नहीं देता तो परसों तक एक बड़ी मोमेंटम आ सकती है ऑन अ बुलिश साइड, नॉट ऑन अ बियरिश साइड, ठीक है। सो अगर कल बाय चांस लेट से कि 16,300 के ऊपर खुलता है, तो डेफिनेटली जितने भी कॉल राइटर्स हैं वो भी ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर शुरुआत के 15 मिनट भी वो उसके ऊपर सस्टेन कर लिया तो 16,400 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, जो इनिशिएट में बहुत जल्दी जल्दी हमें देखने को मिल जाएगा एंड वो मार्केट ऊपर जाती रहेगी। एक बार स्टडी कर लेते हैं बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी हमें क्या बताना चाह रहा है। बैंक निफ्टी का भी एक बार वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। सो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम अगर आप स्टडी करोगे तो सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैंडल स्टिक बना है जो हम लोगों को निफ्टी के अंदर देखने को मिला था। एंड ऑन एन अर्ली टाइम फ्रेम अगर हम स्टडी करें सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने फॉल करा है, नॉट शार्प फॉल बट बहुत हल्के हल्के फॉल कर रहा था, बट अब रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि एक रेंज डेवलप हो रही है, और ये रेंज डेवलप हुई है उसने बॉटम से एक गैप अप दिया है विच इज़ अ वेरी गुड साइन। सो फ्रॉम माई साइड बैंक निफ्टी इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग अबव 34,150, अबव 34,130 बैंक निफ्टी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 34,600 to 700 भी हो सकता है। सो उसके ऊपर हम लोग अपनी पोजिशन चेंज करेंगे। जैसे निफ्टी के अंदर 16,300-400 पे रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी के अंदर 34,700 पे रेजिस्टेंस है। एक बार इसका भी ओपन इंटरेस्ट का डाटा स्टडी कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। ओके, सो इसका डाटा भी बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 33,000 से लेके 34,200 तक कॉल की अनवाइंडिंग देखने को मिली है, और हेवी पुट राइटर्स 1.5 मिलियन ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है 34,000 के पुट राइटर्स पे। सो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग होल्ड सपोर्ट है 34,000 के अंदर, तो यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी हमें रखनी है। सो निफ्टी बैंक निफ्टी का गाइस हो चुका है, एक बार हम लोग स्टडी कर लेते हैं FII का डाटा। सो ऑन FII का डाटा अगर हम लोग स्टडी करें तो FII ने फ्यूचर्स बाय करे हैं 3,000 करोड़ के, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर। FIIs की सेलिंग हल्के हल्के कम हो रही है एंड DIIs भी अपनी बाइंग बढ़ा रहे हैं कैश के अंदर। इसके अलावा उन्होंने पुट शॉर्ट करा हुआ है 20K, विच इज़ अ बुलिश साइन। 80,000 का लोगों ने कॉल बाय करा हुआ है, विच इज़ अ वेरी बुलिश साइन। आप नीचे जाके स्क्रोल कर सकते हैं कि कभी भी 55,000-60,000 के ऊपर उन्होंने कॉल को लॉन्ग नहीं करा, तो आई थिंक दे आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन अ ऑप्शन साइड एज वेल एज ऑन अ फ्यूचर साइड। सो मेरे हिसाब से हम लोगों को एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक्स एनालिसिस। सबसे पहला है रेमंड। अगर हम रेमंड को स्टडी करें तो यहां पर लेट्स ओपन आ अर्ली टाइम फ्रेम। सो रेमंड पे आप क्लियरली देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे हम स्टडी करते हैं तो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छी मूवमेंट देती है, एंड आफ्टर अ वेरी गुड मूवमेंट ये एक रेंज बाउंड रहा, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, एंड ऑन अ ब्रेकआउट ये ऊपर गया, इट गेव अ रीटेस्ट एट दिस पर्टिकुलर लेवल, इसे यहाँ पर रिजेक्शन फेस करने को मिला, नीचे आया एंड अगेन इट ट्राइड इट्स बेस्ट। तो अगर हम लोग एक अर्ली टाइम फ्रेम पे स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। सो लेट मी रिमूव दिस एंड यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं, इट्स अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो एक फॉल्स हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है दैट इज 881, अगर 881 के ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल भी क्लोज होती है रेमंड के अंदर, तो हम एक अच्छी मोमेंटम देख सकते हैं। द फर्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड अ प्रीवियस विंग हाई, दैट इज दिस पर्टिकुलर लेवल 920, एंड जो भी हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा दैट शुड बी 950, जो कि हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है, सस्टेन करता है, तो अच्छे लेवल्स दे सकता है। आर लास्ट सेकेंड लास्ट स्टॉक इज जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील पर अगर हम चेक करें
या लेट मी ओपन। सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छी फॉल आई थी एंड उस फॉल के बाद ये एक बहुत अच्छा बेस क्रिएट कर रहा है। आप देख सकते हैं इसने बहुत अच्छा एक यहाँ पर इस लेवल पे बेस क्रिएट करा हुआ था। अब यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट आया था इस बेस क्रिएट पे, आप देख सकते हैं इट्स अ वेरी गुड ब्रेकआउट, रीटेस्ट ऊपर गया नॉट सस्टेन्ड और एक गैप डाउन देखने को मिल गया। दैट मीन्स कि ये जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड करता है। एक बार ये फुलफिल नहीं कर पाया, दूसरी बार नहीं कर पाया, डेफिनेटली तीसरी बार इसे रिजेक्शन देखने को मिला है एंड फोर्थ टाइम इसने ब्रेकआउट दिया है और ट्राई कर रहा है। सो अगर ये कल इस पर्टिकुलर लेवल, जैसे राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 479 रुपीज, अगर ये 481 के ऊपर निकलता है तो हम लोगों को एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट शुड बी 487 और अगर हम लोग यूज करते हैं फिबोनाची, सो फिबोनाची के अकॉर्डिंग हम लोगों को और नए टारगेट्स भी मिल सकते हैं। सो लेट मी शो यू, अगर हम फिबोनाची यूज करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल टारगेट्स मिल सकते हैं, 1, 2, 3 टारगेट्स, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 500 तक का टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये इसको सस्टेन करना पड़ेगा एंड टू सस्टेन हम लोगों ने यूज करा है मार्केट प्रोफाइल इंडिकेटर। सो मार्केट प्रोफाइल इंडिकेटर हमें बता देता है यहाँ पे कि कहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स एडिशन है, कहाँ पर सबसे ज्यादा हम लोगों को बायर्स या सेलर्स एक्टिव देखने को मिल सकते हैं। सो क्लियरली देखने को मिल रहा है कि 470 to 480 तक हैवी वॉल्यूम्स एडिशन है। सो अगर इसके ऊपर सस्टेन कर लेगा तो डेफिनेटली एक बड़ी मोमेंटम आ सकती है। तो ये थे हमारे दो स्टॉक्स, लास्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी सजेस्ट कर रखा है। सो लेट मी ओपन अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑन यूपीएल। सो अभी हम लोगों ने रेमेंट की बात कर ली है, जिंदाल स्टील की बात कर ली है, लास्ट स्टॉक इज रेमेंट। सो रेमेंट पे लेट मी ओपन अ 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप क्लियरली देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया सपोर्ट है इस लेवल पे एंड इस लेवल पे इसने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छी अप मूव दी, इट कंसोलिडेटेड अ लिटिल बिट एंड इस लेवल से आके आप देख सकते हैं अगर मैं जोन को हटाऊंगा तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर इसका जो करंट प्राइस है 808 का है, अगर ये 811 के ऊपर निकलता है देन टारगेट शुड बी अराउंड 820 to 825 रुपीज। सो बेसिकली यूपीएल अच्छा कर रहा है, ये तीन स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं। तो मार्केट का कॉन्क्लूजन क्या है? मार्केट का कॉन्क्लूजन है बाय ऑन डिप्स और जो लेवल आपको बता रखे हैं उस लेवल पे आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना है और सिर्फ आपको वॉच करना है कि उस जगह रिएक्शन क्या मिल रहा है, उस जगह मार्केट क्या परफॉर्मेंस कर रही है। मेरे हिसाब से सेल के पोजीशन बिल्कुल भी नहीं है, एफआईआर डाटा स्ट्रॉन्ग, ओपन इंटरेस्ट डाटा स्ट्रॉन्ग, टेक्निकल एनालिसिस डाटा स्ट्रॉन्ग, यूएस मार्केट स्ट्रॉन्ग है नहीं है, बट उसके ऊपर हम तीन फैक्टर को नहीं इग्नोर कर सकते। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज लाइक दिस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और जितना प्यार दे सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से कल।